हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। OMR बेस्ड एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, किस तरह से OMR फिल करना है और कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी है, आज पूरे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। और ये मिस्टेक बिल्कुल आप लोग मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पेड क्लास चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार, आगरा और अवध का सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो OMR शीट फिल करने के टाइम में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो चेक होता है वो कंप्यूटर से चेक होता है, ठीक है। इवेल्युएशन किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। तो इसमें जो भी ये गोल सर्कल दिख रहा है उसको अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, जैसे ये है, तो कंप्यूटर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा, चाहे आपका आंसर सही की ना हो। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपरली फिल्ड ब्लैक कलर्ड बबल्स। जो यहाँ पे सर्कल दिया गया है, जो अच्छी तरीके से क्या उसको आप फिल करोगे तभी जो है उसको कर पाएगा। और उसके अलावा जो है कुछ भी OMR शीट को स्क्रैच नहीं करना है, ब्लेड से जो है उसको, ये नहीं कि गलत हो गया तो उसको फिर ब्लेड यूज़ करें, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। और जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है उसमें पूछ रहा है वही इन्फॉर्मेशन देना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ये तो पहला हुआ। दूसरा, स्पेसिफिक स्पेसेस और बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि स्पेस एंड बॉक्सेस दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आपका रोल नंबर फिल करना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। रोल नंबर कैसे आपका है? 987, यहाँ पे लिख लीजिए जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। तो 9 के लिए यहाँ पर, अब ये नहीं कि किसी में भी कर दिए हम, अब इसी में क्या करते हैं बच्चे ज़्यादा कि 9 यहाँ कर दिए तो फिर 8 यहाँ कर देंगे, 7 है यहाँ की है, 6 यहाँ, इसी में कर दिया। ऐसे नहीं होता है। आपको करना किस तरह से है, इस वाले बॉक्स का, इस वाले लाइन का सिर्फ 9 ढूंढना है, इस वाले में से 8, इस वाले में से 7। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो है यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे रोल नंबर लिख लीजिए, उसके बाद फिल कीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक स्पेसेस और बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन द OMR शीट टू फिल द रिक्वायर्ड, तो ये आप लोग को कर लेना है। यही मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। फिलिंग करने का तरीका, फिलिंग करने का जो तरीका है, कभी कभी जो है आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हो कि इतना ही दूर फिल किए निकल ली, तो अगर आप इस तरह से फिल करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा मार्क्स, कंप्यूटर नहीं लेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो उसने किया है, तो ये रॉन्ग तरीका है। आपको पूरा जो है फिल करना है, आपको ये जो है पूरा फिल करना है, और इसमें आपको बिल्कुल बिल्कुल भी जो है छोड़ना नहीं है। तो ये होगा आपका दूसरा। तीसरा आइए, द कैंडिडेट शुड एंसर द 7 डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर। आपको जो बुकलेट मिलेगा उसका जो है 7 डिजिट नंबर, वो भी यहाँ पे लिखना। तो यही है, यहाँ पे बुकलेट लिखा हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे बुकलेट जो है ऊपर में लिख लीजिए और उसके बाद से सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको जो है साइन करना है कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे है इन रनिंग हैंड राइटिंग, तो यहाँ पे आपको अपना साइन करना है इस तरह से, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, तो इस तरह से अगर रहा तो आप लोगों में। द टेस्ट इज 3 आवर्स ड्यूरेशन, आप लोगों को 3 आवर्स नहीं मिलने वाला है, 1.5 घंटे मिलने वाला है, कुछ नहीं। हाँ, एक और चीज, अब जैसे यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, तो ये नहीं कि यहाँ भी कर दिया और यहाँ पे सर्कल करने के बाद, एक तो आधा अधूरा ये जो सर्कल किया जा रहा है इसको लेगा ही नहीं, इसको नहीं लेगा, और यहाँ पे सर्कल किए गलत हो गया तो इसको क्रॉस लगा दिया, फिर यहाँ कर दिए, तो इसको भी कंप्यूटर नहीं लेगा, ये समझ के चलिएगा। इस तरह से करना है, पूरा फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन भी करना है, टेस्ट बुकलेट का आपका नंबर दिया रहेगा, तो ABCD करना है। इस तरह से आपको बुकलेट मिलेगा,
यहाँ पे फिल करना है। ये पूरी तरीके से आपको फिल करने का तरीका, आंसर सीट, सैंपल कॉपी, ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। यहाँ पे भी बताया हुआ रहता है कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से नहीं करना है। फिलिंग करते टाइम में आपको ध्यान देना है। फिलिंग करने का एक तरीका होता है कि हम जो है सेंटर से स्टार्ट करें और बाहर हमारा, अब इस पे तो मेरा हाथ ये नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो है बाहर नहीं जाना चाहिए और आधा अधूरा भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये पूरा आपको देखना है और इसका पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि वहीं पे जाके कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। ये फिर भी मेरा बाहर आ जा रहा है इससे, तो ये आपको नहीं करना है। पेंसिल से या पेन से जो भी लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप OMR फिल करते टाइम में ध्यान दीजिएगा। स्पेशली बच्चों का पेंडिंग में चला जाएगा, रोल नंबर नहीं लिखोगे तो, बुकलेट नंबर नहीं रहेगा तो, साइन नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, OMR खरीद लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।